तो हमें बिल्कुल नहीं लगा उसमें। सियासत का तो बड़ा बड़ा बाल था, हमें जब देखा था बड़े बाल भी देखा था। उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों की तलाश में लगी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने हैदराबाद से दो लड़कों को हिरासत में लिया है। ये दोनों लड़के माफिया अतीक के बेटे असद के करीबी दोस्त हैं। इन दोनों ने ही उमेश हत्याकांड से पहले और बाद में असद का मोबाइल और उसका एटीएम यूज किया था। दोनों चीजों के इस्तेमाल से ये साबित करना था कि घटना के वक्त असद लखनऊ में था, लेकिन घटना के दौरान असद के कार से बाहर आकर गोली चलाने की सीसीटीवी आने के बाद माफिया के बेटे का ये प्लान फेल हो गया। एसटीएफ ने जिन दो लड़कों को पकड़ा है उसमें से एक लड़के ने असद के मोबाइल से कई फोन किए थे और रेस्टोरेंट में खाने का बिल भी एटीएम से कटवाया था, जो कि प्लानिंग का हिस्सा था ताकि असद की मौजूदगी लखनऊ या दूसरे शहर में दिखाई जा सके। उधर पुलिस असद के दोस्तों पर भी नजर रख रही है। पुलिस को पक्का यकीन है कि फरारी के दौरान अगर असद के पास पैसों की कमी हुई तो वो अतीक की कुछ सफेद पोश और अपने दोस्तों से संपर्क जरूर करेगा। पुलिस ऐसे लोगों को भी सर्विलांस पर रखे है। उधर पुलिस की एक टीम ने घूरपुर फ्लाईओवर के पास मुर्गी फार्म पर भी चेकिंग की। पता चला है कि एनकाउंटर में मारा गया विजय उर्फ उस्मान ने घटना के एक हफ्ते पहले पंकज नैनी नामक जुआ चलाने वाले से हारने पर झगड़ा किया था। पुलिस पंकज नैनी और सेरू भल्डा नामक युवक को पूछताछ के लिए खोज रही है, लेकिन अभी तक दोनों पुलिस के हाथ नहीं आए हैं।